समय के साथ फैक्टर में कई सारे बदलाव आए, वैसे ही फैक्टर इम्प्लीमेंट्स में भी हमने कई सारे अपडेट्स देखे हैं और भारतीय खेती के लिए लाभदायक कई ऐसे इम्प्लीमेंट्स है जो प्रयोग किए जा रहे हैं और काफी फायदेमंद भी है। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिनको इन इम्प्लीमेंट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, तो मॉडिफाइड थॉट्स पर आज हम बात करेंगे पावर हैरो, सबसॉइलर, वैक्यूम प्लांटर और इन जैसे कई नए कृषि औजारों की जो आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं, जो ना सिर्फ फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे साथ ही कम समय में आपको ज्यादा काम भी करके देंगे। ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट जोड़ने से पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन मॉडर्न फार्मिंग से जुड़ी ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। सबसॉइलर एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो किसान भाई ज्यादा पैमाने पर अभी यूज करने लगे हैं। अगर आपके जमीन में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है या फिर आपको एक ऐसी जमीन में जुताई करनी है जो पिछले 4 से 5 सालों से बंजर पड़ी है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा सबसॉइलर। नॉर्मल जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, हमारा प्लाव है, उससे हमें गहराई मिलती है तकरीबन 8 से लेकर 12 इंच तक, लेकिन सबसॉइलर से आप तकरीबन 24 इंच यानी 2 फीट की गहराई जमीन में ले सकते हो। अब सबसॉइलर चलाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो हम सबसॉइलर चलाएंगे यानी जो लाइन बनाएंगे उसमें हमें डेप्थ से 2 गुना ज्यादा अंतर रखना है। यानी मान लीजिए कि अगर आप सबसॉइलर चला रहे हो और आपका सबसॉइलर तकरीबन 2 फीट की गहराई ले रहा है, तो आपको सबसॉइलर की 2 लाइंस में तकरीबन 4 फीट का अंतर रखना होगा, जिससे मिट्टी का टिलेज अच्छे से होता है और आपको बढ़िया रिजल्ट्स उस खेत में देखने मिलेंगे। सबसॉइलर हम गन्ना, कपास, दालों वाली खेती में प्रयोग कर सकते हैं। आपको भारतीय मार्केट में जॉन डियर, महिंद्रा, फिल्किंग जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के सबसॉइलर मार्केट में उपलब्ध मिलेंगे। पावर हैरो, अगर आपको जुताई करते वक्त अच्छी गहराई नहीं मिल रही है या फिर आपका खेत ठीक से तैयार नहीं हो रहा है, तो पावर हैरो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पावर हैरो पिटियों से चलने वाला एक उपकरण है जिसकी डिजाइन काफी अलग है। इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं जो पिटियों से ऑपरेट होते हैं। इसकी मदद से आप 8 इंच की गहराई ले सकते हैं। इसमें साइड प्लेट्स लगी हुई है जिनसे आप इस डेप्थ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये पीटीओ ऑपरेटेड प्लेट्स सॉइल को काफी अच्छे से पल्वराइज करते हैं, तो आपको जुताई करते वक्त ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और आपका खेत भी अच्छे से तैयार हो जाता है। पावर हैरो में हम पीछे अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आप लेवलिंग बोर्ड लगाते हो तो आपकी जमीन साथ ही साथ में लेवल भी हो जाती है। पावर हैरो का सीधा सीधा वर्किंग है कि सॉइल कॉम्पैक्शन कम हो रहा है तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है। खैर, सॉइल कॉम्पैक्शन एक अभी तक अननोटिस इशू है। आपने अगर गन्ने की कटाई के लिए शुगरकेन हार्वेस्टर इस्तेमाल किया है तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे अगले साल। अगर वहां पर ज्यादा सॉइल कॉम्पैक्ट होती है, क्योंकि हार्वेस्टर का वजन काफी ज्यादा होता है, तो उस खेत में आपको अगले साल गन्ने का प्रोडक्शन काफी कम मिलता है। अगर ये प्रॉब्लम और किसी किसान भाई ने अगर फेस किया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पावर हैरो हम गन्ना, गेहूं, सोयाबीन, पोटैटो जैसे क्रॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अगर बात चली रही है शुगर केन फार्मिंग की, तो रटून मैनेजर एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो आपको गन्ने की खेती में बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। जब भी गन्ने की कटाई होती है तो गन्ने की जो खूटियां है वो काफी बड़ी रह जाती है। अगर आपने शुगर केन हार्वेस्टर से वो कट किया है तो वो तो वैसे भी बड़ी रह जाती है, अगर आप मजदूरों से भी कटवाते हो तब भी वो अनयूनिफॉर्म रहती है, जिससे क्या होता है उसी खूटियों को अगर अंकुरण हो जाता है तो वो जमीन की सतह से काफी ऊपर होता है, तो आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन होगा वो अच्छे से नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर ज्यादा हवा वगैरह आ जाए तो आपका गन्ना नीचे गिर जाता है, जो फिर हार्वेस्टिंग में काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम पर सोल्यूशन है रटून मैनेजर। रटून मैनेजर में लगे हुए हैं ब्लेड्स जो ऑपरेट होते हैं पीटीओ से। ये ब्लेड्स उस खूटे को मिट्टी तक कट कर देते हैं, जिससे आने वाला जो गन्ना है वो अच्छे से बढ़ता है और आपको अगले साल गन्ने का अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रटून मैनेजर चलाने के लिए आपके फोरोज 3.5 फीट के होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपके ट्रैक्टर के टायर रिजेस को खराब करेंगे तो वो बात बनेगी नहीं। रटून मैनेजर खूटियां काटने के साथ ही आपको रिजेस और फोरोज भी बना के देता है,
तो एक ही इम्प्लीमेंट आपको दो काम करने में मदद देता है। प्लैटून मैनेजर 25 से लेकर 45 हॉर्स पावर के किसी भी ट्रैक्टर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे खरीदते वक्त ही अपने मिनी ट्रैक्टर के लिए खरीदें, क्योंकि मिनी ट्रैक्टर से शुगर केन की कई सारी बाकी काम भी हो जाते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। महाराष्ट्र में कई ऐसे किसान भाई है जो आज 6 फीट और 8 फीट पर शुगर केन की फार्मिंग कर रहे हैं, और जल्दी इसके बारे में आपको एक वीडियो हमारे चैनल पर देखने मिलेगा। तो मॉडिफाइड थॉट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बात हम करेंगे वैक्यूम प्लांटर की। कई बार क्या होता है कि आप जिस प्लांटर से प्लांटिंग कर रहे हो वो बीज समान अंतर पर नहीं छोड़ता है, बुवाई अच्छी नहीं होगी तो आपकी फसल अच्छे से नहीं आएगी, और अगर आपका प्लांटर अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपको ज्यादा बीज भी लगेंगे तो आपका खर्चा भी होता है। इसलिए वैक्यूम प्लांटर एक एडवांस मशीन है जो एयर फ्लो पर काम करती है। इसका वर्किंग स्टाइल काफी अच्छा है। ये एक बार में एक ही सीड लेती है और उसे समान डेप्थ पर प्लांट करती है, और बाद में उस बीज को सॉइल से ढक भी देती है, जिससे आपको बुवाई में कम सीड्स लगते हैं तो आपका कम खर्च होता है। साथ ही वो सीड्स अच्छे से डेप्थ पर जाते हैं, उस पर मिट्टी है तो उनकी पैदावार भी अच्छी होती है। वैक्यूम प्लांटर काफी महंगा है, लेकिन आप इसे कपास, मक्का, सोयाबीन जैसे कई सारे बीज बो सकते हैं। कई सारे किसान भाई क्या करते हैं, एक ही खेत में दो क्रॉप्स लगाते हैं, तो वैक्यूम प्लांटर के साथ आप उसी समय पर दो क्रॉप्स आसानी से लगा सकते हो। नॉर्मली सीड ड्रिल चलाते वक्त ट्रैक्टर काफी स्लो में चलता है, लेकिन वैक्यूम प्लांटर आप ज्यादा स्पीड पर भी चला सकते हो, तब भी ये अच्छा वर्किंग करता है, तो आपका समय तथा डीजल दोनों की बचत होती है। अगर आप ट्री प्लांटेशन करना चाहते हैं, या फिर आप फेंसिंग करना चाहते हैं, या फिर आपको पोल्स लगाने हैं, तो ट्रैक्टर से जुड़ा एक इम्प्लीमेंट है जो इसमें काफी मददगार है, पोस्ट होल टिगर। सबसे पहले हम बात करेंगे ये कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के लिए चल सकता है। इसे आप 30 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से लेकर 70 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर तक चला सकते हैं। ट्रैक्टर कितने भी एचपी का क्यों ना हो, आपको 3 फीट की डेप्थ ही मिलती है। फर्क होता है डायमीटर में। जी हाँ, आप जो होल ले रहे हो उसका डायमीटर आपके एचपी वाइज बढ़ता जाता है, लेकिन डेप्थ वही रहती है तकरीबन 3 फीट की। पोस्ट होल डिगर को इस्तेमाल करते वक्त ट्रैक्टर को काफी ज्यादा झटके लगते हैं, हाइड्रोलिक्स पर काफी ज्यादा लोड रहता है, इसलिए जरूरी है आप अपने ट्रैक्टर को सुरक्षा के साथ चलाएं। पोस्ट होल डिगर चलाते वक्त गौर करने वाली बात यह है, आपको पीटीओ तथा हाइड्रोलिक कंट्रोल्स साथ ही में यूज करने होते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि आप जहां पर इम्प्लीमेंट चला रहे हो उसके आसपास कोई ना हो, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट घूमता है तो मिट्टी ऊपर आती है तो दुर्घटना होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, ये थे कुछ 5 इम्प्लीमेंट जो बेहद ही बढ़िया है, किसान भाइयों को प्रॉब्लम का एक अच्छा सोल्यूशन देते हैं। लेकिन हाँ, ये 5ों ही इम्प्लीमेंट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो अगर कोई छोटा किसान भाई है वो इस इम्प्लीमेंट को खरीदकर खुश नहीं होगा, क्योंकि इनका वर्किंग ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप अपना ट्रैक्टर रेंट पर देते हो तो आप इन इम्प्लीमेंट्स को खरीद सकते हैं। ये इम्प्लीमेंट्स काम तो बढ़िया करते ही है, लेकिन काम स्पीड से भी करते हैं, यानी आपका समय बचेगा तो डीजल बचेगा और आपका काम भी अच्छे तरीके से होगा। मॉडिफाइड थॉट्स पर हम ऐसे ही ट्रैक्टर तथा खेती से जुड़े वीडियोस लाते हैं। अगर आप भी एक किसान हैं और आप भी अपनी खेती में ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको हर सप्ताह एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें आपको आधुनिक खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप इन इम्प्लीमेंट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम वहां पर आपको उन इम्प्लीमेंट्स की जानकारी प्रदान करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।